लॉगिन का काम कर रहा था, हमारे पास लॉगिन का वर्क हो रहा था, ठीक है। अब हमें ना रजिस्टर पे वर्क करना है और रजिस्टर के ऊपर हमें ना डिजाइन करना है। तो जिस तरह हमने लॉगिन डिजाइन किया था उसी तरह हमने रजिस्टर का पेज भी जो है वो डिजाइन करना है। तो जो लॉगिन का आपका कोड है लीनियर लेआउट का, ये पूरा आप इस पूरे को यहाँ से क्या कर लो, कॉपी कर लो, फिर इसमें हम एडिट कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने कॉपी करा, कॉपी करके हमने रजिस्टर एक्टिविटी के यहाँ पर ले जाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब हर चीज आपको चेंज करनी है और वो उसके हिसाब से बनाना है। अच्छा, अब मेरे पास जो ये है लॉगिन है, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी रजिस्टर, ठीक है। अब रजिस्टर करने के लिए देखो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, वो मुझे ये सारी चीजें लिखनी है, मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, अकाउंट टाइप, ठीक है। पिन कोड हमारा डायरेक्ट जाएगा, अकाउंट स्टेटस डायरेक्ट जाएगा। तो हमें जो चीजें बनानी है वो मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल, पासवर्ड तक की बनानी है और अकाउंट टाइप तक की, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 फील्ड है हमारे पास। हाँ एक मिनट बता रही हूँ, अकाउंट टाइप, ये तीन चीजें हो गई मेरे पास। इसी को कॉपी करा मैंने यहां पर, पेस्ट करा और इधर मैंने यहां पे लिखा टॉप है ना 10। REG नेम टेक्स्ट और अब ये हो जाएगा एंटर योर नेम, इनपुट टाइप मेरे पास हो जाएगी टेक्स्ट, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया, नेम के बाद ईमेल ले लो, कॉपी ठीक है, नेम हो गया मेरे पास। इसके बाद मेरे पास यहां पे हो गया ईमेल, और इसकी इनपुट टाइप मेरे पास चली जाएगी ठीक है ना टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। इसके बाद मोबाइल नंबर है, एंटर पासवर्ड है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो भी मेरे पास है इसके साथ REG करके मैंने लगा दिया रजिस्टर्ड, ताकि मुझे पता चल जाए कि रजिस्टर वाले उसका है, ठीक है। इसी तरह अकाउंट टाइप में आ जाओ, और इसके अंदर भी REG कस्टमर बटन और डीलर REG ठीक है डीलर बटन। अब ये लॉगिन है तो लॉगिन की जगह पे BTN रजिस्टर हो जाएगा और इसका टेक्स्ट चेंज होके हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है। इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट, ये नहीं है अब इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो मैं यहां से रिमूव कर दूंगी, बैक का बटन ही बनाएंगे साथ में, ठीक है। अगर आपने नीचे लिखना है बैक का इस तरह, रुक जाओ, अगर आपने उसी तरह रहने देना है तो आप इधर ये वाला हटा दो, सही है, सिर्फ ये रहने दो और यहां पे दे सकते हो सिंपल बैक, अगर लुक सेम रखना है, ठीक है ना। बैक टू लॉगिन, ठीक है, इस तरह आप यहां पे दे सकते हो। अच्छा, जो मेरे पास पासवर्ड का बना हुआ था, ये बना हुआ पासवर्ड का,
इसी तरह मुझे कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए, तो सेम इसको कॉपी करा और सेम मैंने यहाँ पे इसको नीचे पेस्ट करा, एंटर पासवर्ड है और एक मेरे पास रजिस्टर कंफर्म कंफर्म पासवर्ड है। और यहां लिख दूंगी एंटर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इस तरह ये रजिस्टर का आपका डिजाइन हो गया है, जिसमें मेरे पास नेम, ठीक है, सेकंड वाला मेरे पास ईमेल है, एंटर योर ईमेल एड्रेस, ठीक है, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अकाउंट टाइप और फिर ये, ठीक है, रजिस्टर। और फिर आप बैक टू लॉगिन जाना चाहते हैं तो आप बैक भी जा सकते हैं, सही है। मैंने लॉगिन वाला ही कॉपी करा है डिजाइन और उसी में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर दिया है और इनकी आईडीज को जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है, ताकि सबका ये मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब सेम रहे, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि जब मैं इसको चलाऊं, ठीक है, स्क्रीन पे डिजाइन कटना शुरू हो जाए, पॉसिबिलिटी ऐसी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, स्कॉलर व्यूअर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसको चला के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डिजाइन जो है वो कट तो नहीं रहा, और अगर नहीं तो फिर हम स्कॉलर व्यूअर डाल देंगे, ठीक है। इसको डिजाइन कर लो क्विकली ताकि फिर मैं इसके बैक एंड का कोड करा दूं। आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास नहीं आ रहा तो मेरे पास यहां पर जो ये लीनियर लेआउट है इसको मैंने यहां पे बंद किया और इधर मैं स्कॉलर व्यूअर लूंगी, ठीक है, जो कि मेरे पास मैच पेरेंट, और ये मैच पेरेंट रहेगा और इसका जो एंडिंग टैग है वो मेरे पास लीनियर लेआउट के नीचे बंद होगा। और जो ये लीनियर लेआउट है, अब इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, रैप कंटेंट, ठीक है, इस तरह। स्कॉलर व्यूअर मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट रहेगा, जो ये पहले मैच पेरेंट था अब ये हो जाएगा रैप कंटेंट। अब इसके बाद जो भी मैंने किया है चेंज वो मैं दोबारा से रीरन कर रही हूं। अब मेरे पास यहां पे साइड में स्कॉलर व्यूअर आ जाएगा, जो मेरा ये, ठीक है, नहीं डिस्प्ले हो रहा था, अब ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये देखो बैक टू लॉगिन आ रहा है। अब ये बिल्कुल ही बॉटम पे है ना, ठीक है। अब ये अगर बॉटम पे है तो आप इसकी जो है वो बॉटम मार्जिन जो टैक्सी हुआ है इस पे आप असाइन कर दो, लेआउट मार्जिन बॉटम, और यहां से मैंने इसको दे दिया है 100 dp, ठीक है। और अब इसको मैंने वापस रन किया है, सबके साथ आर ई जी लगा दिया मैंने ताकि रजिस्टर वाला कौन सा है और लॉगिन वाला कौन सा है सेम ना रहे। अब आप देख सकते हैं
क्लिक ऑन साइनअप पे मैंने क्लिक किया, रजिस्टर आ गया, स्कॉलर व्यूअर पे क्लिक किया, अब ये बैक टू लॉग इन हो गया। नीचे भी आपकी जो स्क्रीन है और इसके बीच में जो है वो 100 डीपी का जो है वो मार्जिन दी हुई है, ठीक है। इस तरह ये आपको नजर आएगा, ठीक है। इसको डिजाइन कर लो, फिर मैं आगे बता रही हूँ। अब मैंने जितने भी यहाँ पर बनाए हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, और ये मेरे पास रेडियो बटन है। जिस तरह आपकी लॉग इन एक्टिविटी पे अगर आप देखो तो आपके पास ये इस तरह बने हुए थे ना, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने यहाँ रजिस्टर के लिए भी काम करना है। तो रजिस्टर के लिए यहाँ पर एडिट टेक्स्ट मेरे पास है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, मोबाइल नंबर हो गया, और पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, ये चीजें। फिर है रेडियो ग्रुप, अकाउंट टाइप है, और एक मेरे पास है टेक्स्ट व्यू, और जो के है मेरे पास BTN बैकएंड उससे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 और ये 7, 3, 4, 5, 6। और अब ये रह गया बटन रजिस्टर का, ठीक है। और एक मेरे पास बटन है, वो है BTN रजिस्टर। इसको अब यहां पर इनिशियलाइज कर लेंगे आप। नेम इज इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी, r.id. ठीक है, REG लिखूंगी। मेरे पास ये सारे आ जाएंगे क्योंकि मैंने जितने भी रजिस्टर हैं सबके साथ REG लिखा है, ताकि मुझे जो है ना अलग से पता चल जाए कि रजिस्टर वाले मेरे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। नेम टेक्स्ट, और इसी तरह इसको मैंने कॉपी करा। मेरे पास कितने हैं, ये 5 हैं, 2, 3, 4, 5। अब मैं यहां पर अब हम चेंज कर रहे हैं ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, REG ईमेल, REG मोबाइल नंबर टेक्स्ट, REG पासवर्ड, और REG कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद आ गया मेरे पास अकाउंट टाइप, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.reg अकाउंट टाइप, BTN बैक, फाइंड यू बाय आईडी, REG या देख लेना बैक टू लॉग इन क्या है। यहाँ पर इस पर क्या रखा है, चेंज किया मैंने, साइन अप बटन है ना, इसको चेंज कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ REG बैक बटन। अब इधर भी मैंने आके लिख दिया REG बैक, REG बैक बटन, और BTN रजिस्टर, फाइंड व्यू बाय
r.id. btn register सही है। अब इवेंट आपके पास दो बनेंगे, एक मेरे पास बनेगा btn bag.setOnClickListener, new on view click listener एक ये बना, और रजिस्टर का बनेगा btn register.setOnViewClickListener, new view on click listener ठीक है। ये दो इवेंट बनेंगे। इस वाले पे आपके पास वही आएगा, इंटेंट वाला काम आएगा, क्योंकि हमारे पास बैक है तो हम लॉगिन पे चले जाएंगे। कॉपी करा मैंने इसको यहाँ से और इंटेंट यहाँ लगा दिया मैंने। अभी हम करेंटली किस पे हैं, रजिस्टर एक्टिविटी पे, और मूव करके जाना है लॉगिन एक्टिविटी पे। ये मेरा बैक वाला कोड है। अब रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए। तो रजिस्टर करने के लिए हमारे पास जब हम रजिस्टर करेंगे तो देखो, पहली कंडीशन जो आपकी चेक होगी वो इफ से हमारे पास चेक होगी कि मेरे पास कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच करता है या नहीं करता। तो मेरे पास कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड का है, तो हम यहाँ पर जो चेक करेंगे वो है password.getText.toString.equals, किसके होना चाहिए, .getText.toString, इसके इक्वल होगा तो बाकी का काम यहाँ पे होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं करना। और इसके नीचे आपने एल्स लगा देना है, और एल्स के अंदर आप यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। टोस्ट में मैंने यहां लिख दिया कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है, इस तरह। समझ में आई बात? अब ये जो कोड है ये आप करो, ताकि फिर मैं इसके बाद का कोड बताऊंगी जो के उस पर रखूंगी एयरफोर्स शेयर पे, जो लाइब्रेरीज आपको इंक्लूड करानी, ये वाला भी कर लो। अच्छा, इसको करने के बाद आपने आप ऊपर आए, यहाँ पर ये जो इम्पोर्ट हुआ है इधर इसके नीचे, आपने यहाँ पर फाइल को इम्पोर्ट कराना है, ठीक है। Alter Enter Name Value Pair Control V ये वाली पेस्ट कर लो, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर मौजूद है रजिस्टर एक्टिविटी में, यहाँ पर इसको पेस्ट करो इस तरह। यहाँ पे मेरे पास है फोन नंबर, यूजरनेम, स्ट्रिंग सेल नंबर, ठीक है। ओटीपी कोड आ गया मेरे पास, यहाँ पे हैंडलर ले लिया मैंने और नंबर्स ले लिया, ठीक है, ये ऐड करो। देन इसके बाद हमारे पास ये कोड है, ये कोड हमने किस लिए रखा है, हमें ओटीपी जो है वो जनरेट करना है, इसलिए हमने ये वाला कोड यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट मेरे पास स्ट्रिंग ओटीपी कोड जो है वो एम्प्टी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब जब आप रजिस्टर के लिए काम करेंगे तो हमें ओटीपी कोड पहले जो है वो जनरेट करना है, देन हमने इसकी बात वैल्यूज को पास करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एयरफोन शेयर पे रखा है, आप वहां से इसको अपने इस वाली लोकेशन पर पेस्ट कर दो क्या, ठीक है, क्योंकि ऊपर हैंडलर लिया है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बनेगा। पर यहाँ इस इफ के अंदर पेस्ट करना है, अगर मेरा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करता है तो। रैंडम एक मेथड है जो मैंने पहले बताया था, एक आप करेक्टर लेते हो फोर, यानी मुझे चार डिजिट तक चाहिए था एरेबी चार के लिए, ठीक है। फोर तक चलाया, हर इंडेक्स के ऊपर आपका कौन सा नंबर है, ये वाला, इस नंबर की कॉम्बिनेशन से आपके पास कोई भी चार डिजिट उठेंगे और आपके इस करेक्टर एरे में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर उस एरे से आप ओटीपी कोड कर अंदर जो है कॉन्केटिनेट कराकर लिख दोगे यहाँ पे, तो तुम्हारे पास ओटीपी कोड आ जाएगा। यहाँ पर एक मेथड बनाना है इंसर्ट डेटा का, अब मैं क्या क्या इंसर्ट कराना चाहती हूँ, नेम, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रिंग, बल्कि वैल्यू पास करनी है तो मैं इसकी वैल्यू पास करूंगी, नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एक ये पास करा, ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग ये पास किया, फिर मेरे पास है मोबाइल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसके बाद आपके पास है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में आप कंफर्म पासवर्ड भेजेंगे तो कंफर्म पासवर्ड डॉट गेट स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके बाद आपने जो सेंड करना है वो भेजना है आपने ओटीपी कोड, ओटीपी कोड कॉमा, इसके बाद जो मुझे वैल्यू सेंड करनी है वो अकाउंट स्टेटस है, वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या है, जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास यहाँ कह रहा है कि इस तरह का कोई मेथड मौजूद नहीं है, इस तरह का कोई भी मेथड मेरे पास मौजूद नहीं है। इसने मेथड दोबारा देखो कैसे बनाया, यहां पर मैंने इसको क्लिक करा, क्रिएट मेथड, रजिस्टर एक्टिविटी के अंदर मेथड बना दिया। अच्छा, अब उसको नहीं पता पैरामीटर के नाम आपने क्या रखने, इसलिए इसने इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन टू थ्री और दो आखिर के हमारे पास क्या है, इंटीजर है, जैसे पैरामीटर थे उसने वैसे ही उनकी डेटा टाइप दे दी। तो ये तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे क्या चीजें पास करी, तो मैं यहाँ पे वापस लिख दूंगी, नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, और पासवर्ड है मेरे पास, ये जो है मेरा पिन कोड है यानी ओटीपी का, और ये मेरे पास है अकाउंट स्टेटस है, ठीक है, ये जी। इतनी देर में मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, इंसर्ट होने के बाद मुझे कहाँ जाना होता है, वापस ओटीपी एक्टिविटी पे जाना होता है, किस पे जाना होता है, ओटीपी एक्टिविटी पे, तो मेरे पास कुछ डिले के बाद जाना चाहिए। तो आप डिले के बाद ये कहोगे कि जो हैंडलर है डॉट पोस्ट डिले कॉमा 5 सेकंड के बाद, ठीक है, जितनी देर में वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा 5 सेकंड के बाद जो है वो आप जाओ, तो यहाँ आप लगा दोगे न्यू रनेबल का मेथड, और इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, इंटेंट कॉपी पेस्ट। अभी हम है रजिस्टर पे जाएंगे कहाँ पे, ओटीपी एक्टिव, सही है,
और जब मैं ओटीपी एक्टिविटी पे जाऊंगी तो ये वाला आपको सेल नंबर नजर आ रहा है, ठीक है, आप सेल नंबर या आपके पास जो भी कोड है वो आप लेके जा सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ से क्या लेके जा रही हूँ, सेल नंबर लेके जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ से लिया सेल नंबर और इधर अब सेल नंबर इज इक्वल टू मोबाइल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। सेल नंबर वहां लेके जाएंगे तो वहां से हम डाटा फेच करेंगे ओटीपी पे, ठीक है। इस वाले का फेच करो फिर वेरीफाई होगा अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर अभी आपने सिर्फ ये कहा है कि जब तक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तब तक कितना डिले चाहिए मुझे, 5 सेकंड का डिले चाहिए ताकि रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, ठीक है। आज इतना ही करो, फिर बाकी जो वो वाला काम है ना वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है। फिर इंसर्ट मेथड का डेटा का काम रह जाएगा और हमारे पास ओटीपी वेरिफिकेशन रह जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना कर लो।